हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज हम एक डाइकिन का जो कंप्रेसर का बारे में जानने वाले। कंप्रेसर में मतलब जो कंप्रेसर के नीचे आप लोग जो देखा होगा बहुत सारा, जो कंप्रेसर में ऐसा वाला एक जो बेल्ट लगा हुआ रहता है, अभी आप जैसा इसमें जो देख सकते हैं बेल्ट लगा, उसका साथ में जो पावर कनेक्शन भी है उसको, इसको जो 230 जो कनेक्शन भी आता है, कोई कोई जगह में 440 का भी हो सकता है, बट इसमें जो 230 का है। जैसे कि ये इसका जो काम क्या है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि जो कंप्रेसर होते हैं, कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल रहते हैं, ऑयल हर टाइम जब कंप्रेसर जब चालू रहेगा ऑयल सर्कुलेट होते रहते हैं, क्योंकि जो कंप्रेसर का अंदर का जो वो भी मैकेनिकल जो चीज़ होते हैं वो आराम से जो चलने के लिए जो ऑयल का जो जो सर्कुलेशन होता है उसका जो ज़रूरी होता है। इसके लिए ये जो हीटर क्या करते हैं, ऑयल कभी कभी क्या होता है, मशीन बंद है बहुत सारा का, एक 12 घंटा बंद है, 10 घंटा बंद है, कंटिन्यू जब बंद रहेगा ऑयल क्या होता है, ऑयल सारा जो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया तो ऑयल का जो थिकनेस में जो फर्क हो जाता है ऑयल, क्योंकि ऑयल जब हीट रहेगा उसका जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली करता है। ऑयल जब पूरा जो ठंडा हो जाएगा उसका जो थिकनेस में थोड़ा फर्क आ जाता है, वो टाइम में सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा जब स्टार्टिंग में। तो इसका वजह से जब हीटर लगा हुआ रहता है क्या होता है, इनमें जो भी आप जो आपका जो मशीन को जो थर्मोस्टेट से ऑफ किया होगा, बट जो कंप्रेसर का जो हीटर है ये चालू रहते क्या, ऑयल को थोड़ा सा गर्म रखते, ज़्यादा गर्म नहीं होते, एक मिनिमम जो टेम्परेचर ये मेंटेन करते रहे जो रहते हैं। इसमें जो कोई भी जो कट ऑफ नहीं है, जो टेम्परेचर आने के बाद बंद हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट जो 230 आते हैं ये चलते रहते हैं हीटर। और एक इसमें और एक भी एक काम है, जब ऑयल जब ठंडा रहते हैं ये हमारा जो जो मशीन के अंदर जो गैस रहते हैं वो क्या होता है, गैस ऑयल जब ठंडा रहेगा गैस ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, ऑयल के साथ ज़्यादा परसेंटेज जो गैस होता है वो जो मिक्स हो जाता है। मिक्स हो गया तो जब मशीन चलेगा एकदम में वो टाइम में क्या होता है, मशीन कभी कभी लो प्रेशर में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल के साथ जो गैस मिक्स हो गया तो ऑयल का जो थिकनेस में भी फ़र्क आ जाएगा और मशीन का जो रेफ्रिजरेशन जो साइकिलिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा वाला जो हीटर लगा हुआ रहता है ये वार्म करते रहेंगे तो कभी भी ऑयल हीट ही रहते, हीट रहने के टाइम वो ऑयल का जो सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, मशीन का जो रेफ्रिजरेशन में भी कोई प्रॉब्लम जो नहीं आते। और इसका जो पावरिंग जो जो कनेक्शन होता है जो 230 होता है, हम लोग इसका जो पैनल में जो देख सकते हैं, ये वाला जो कॉन्टैक्टर है जो जो हमारा जो कंप्रेसर 1 का है, ये वाला जो कॉन्टैक्टर है जो कंप्रेसर 2 का, इसमें 2 कंप्रेसर है। सो इसमें आप इधर एक ऑक्सिलरी कनेक्शन देख सकते हैं जो एड ऑन ब्लॉक बोलते हैं ना, इसमें ये क्या होता है, जब कंप्रेसर चालू रहेगा हमको कंप्रेसर का जो हीट रहे उसको चलाने का जब ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कंप्रेसर ऑलरेडी हीट रहता है। जब कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा मतलब ये कंप्रेसर का जो कॉन्टैक्टर छोड़ देगा तब हमको हीटर का जब ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए इसका कॉन्टैक्टर का साथ इसका जो कनेक्शन रहता है। ये दूसरा का जो भी इसमें भी देख सकते हैं, इसको कंप्रेसर जब ऑफ रहेगा दूसरा वाला कंप्रेसर इस तरफ है आप देख सकते हैं, इसमें भी ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। जब कंप्रेसर ऑफ रहेगा इस हीटर चालू रहेगा, जब कंप्रेसर चालू रहेगा ये वाला जो हीटर होता है ये बंद ही रहता है, ये चालू एक्टिव नहीं होते क्योंकि कॉन्टैक्टर के साथ जो कनेक्शन है इसका वजह से। जब कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा ये वाला जो हीटर एक्टिवेट हो जाता है, हीटर जो चालू होना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑयल को जो मेंटेन करने के लिए। ये जो क्रैंकेस हीटर बोलते हैं इसको, बड़ा बड़ा जो कंप्रेसर में बड़ा बड़ा जो कॉयल आते हीटिंग जो उसका अंदर ही जाते, जो हमारा जो कंप्रेसर का अंदर भी अटैच करते हैं, कोई कोई जगह में छोटे छोटे हीटर भी लगाते हैं इसके अंदर लगते हैं। इसमें ऐसा जो बेल्ट वाला जो सिस्टम, अलग अलग कंप्रेसर में अलग अलग टाइप का भी हीटर आता है, इसका काम यही है ऑयल को मेंटेन करने के लिए और कोई काम नहीं। कोई कोई समझता होगा कंप्रेसर आइस पकड़ेगा, आइस मेल्ट करने का, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई रीज़न कुछ भी नहीं। ये डायरेक्ट जो कॉन्टैक्टर से पावर आता है ये एक्टिवेट हो जाता है, जब कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा ये वाला फिर से चालू होना जो शुरू हो जाता है। यही काम है क्रैंकेस हीटर और कंप्रेसर हीटर जो भी आप बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, हमारा जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।